हे गाइस, सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे। और मैं ये वीडियो जो लेकर के आई हूँ आपके लिए, मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये मैंने बहुत ही मजबूरी में बनाया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी तब मैंने ये वीडियो बनाया। पहले मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई ऐसी वीडियो लेकर के आऊँ या कोई भी इस टाइप से कुछ भी, मतलब वीडियो वगैरह लेकर आऊँ। हाँ, मेरा बच्चा। बट आज मैं और मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा छोटू सा बच्चा, हाथ जोड़ के हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। गाइज, प्लीज़ आप लोग इस कोरोना वायरस का जो सिचुएशन पूरा, हाँ, अच्छा ठीक है, जाओ, ये जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें आप प्लीज़ जो एनिमल्स हैं, जो पेट्स हैं, उनको आप जितना हो सके सपोर्ट करिए अपनी तरफ से। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और इस वजह से वो लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पेट्स, आपके डॉग्स, कैट्स या किसी भी एनिमल से, स्ट्रे डॉग से जो कोरोना वायरस है वो आगे वो हो रहा है, स्प्रेड होता है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है मेंशन। ऐसा बिल्कुल प्रूवन नहीं है कि कोरोना वायरस जो है आपके पेट से आपको इन्फेक्टेड हो, आप हो सकते हो या आप में ट्रांसमिट होगा। WHO ने भी ये चीज़, मैं आपको आगे वीडियो में आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स ऐसे दिखा दूंगी जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि ये जो आपके दिमाग में मिथ चल रही है ये बिल्कुल गलत है, और आप जो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पेट से आप में ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड एक जो वायरस है वो चीज़ है, और इसका हमारे पेट से जो भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कभी भी आपको इससे इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। WHO ने इस बात के लिए बताया है, स्टेटमेंट डाला है कि इनसे आपको कोरोना वायरस नहीं फैलता है। इवन हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने, इंडिया के एनिमल वेलफेयर बोर्ड तक ने ये चीज स्टेटमेंट दी हुई है कि इनसे आपको कोई कोरोना वायरस का डेंजर नहीं है, ट्रांसमिशन का कोई खतरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। आप अपने, मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कितनी सारी, कि इस बीच में लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेट्स को अबैंडन कर दे रहे हैं, वो लोग निकाल निकाल के उनको बाहर छोड़ दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आ गई, खबर मिल गई कि आपके पेट्स से भी आपको कोरोना वायरस हो रहा है। मुझे ऐसा फील पर्सनली होता है कि दो ही लोग इस टाइप के हो सकते हैं जो ऐसा इमीडिएटली बिना किसी प्रूफ के, बिना कोई बात समझे, रिसर्च किए ऐसा स्टेप ले लें। एक तो वो पेट्स को अपनी कमोडिटी समझते हैं, बिल्कुल, मैं, मुझे बोलने में ये बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, वो पेट्स को सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी समझते हैं, एक शो पीस समझते हैं जो उनको घर में लाना है, हायर ब्रीड के डॉग्स लेकर के आना है, शो ऑफ करना है कि हमारे पास तो लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, ये है वो है, इस टाइप की चीज़ें करते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हमें कितना प्रेम है, हम देखो आप, जबकि इंटरनली वो उसे कुछ एक घर में पड़ी हुई चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। दूसरा, जिनको कि बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है एनिमल से, वैसे लोग, सिर्फ ये दो टाइप के लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी प्रूफ के आपके सामने कोई आपको प्रूफ दे, बिना कोई रिसर्च किए आप बस अपने पेट्स को अबैंडन करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ ये दो लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग जेन्युइनली पेट से लव करते हैं, एनिमल से लव करते हैं, जो अपने घर, जैसे मेरा बच्चा है, इस तरीके से बच्चे अपने रखते हैं, वो उनको अपना बच्चा मानते हैं, वो उनको अपनी फैमिली मानते हैं, और वो कभी भी कहीं सुनी बातों पे अपने बच्चों को अबैंडन नहीं करते हैं, कर सकते ही नहीं है। क्या आप, अब जैसे आप, फॉर एन एग्जांपल, कोरोना वायरस बच्चों में सबसे ज़्यादा फैलता है, कोरोना वायरस बुज़ुर्गों में, जितने भी ओल्डर एज पर्सन हैं उनको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, बच्चों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो क्या आपने बिना कोई रिसर्च वर्क किए अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, नाना नानी दादा दादी को अपने घर से निकाल दिया कि नहीं नहीं तुम निकलो, हमें तुमसे हो जाएगा या हमें आपसे हो जाएगा, हमें आपको नहीं रखेंगे, आप ओल्ड एज होम चले जाओ, किसी भी सड़क पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, हम आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आपसे हमको हो जाएगा। आप अपने बच्चों को निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। तो जब आप
उस चीज अपने अपनों को अपने इससे अलग नहीं कर रहे हो, तो आप उसको तो अपने पास लेकर के आनो, वो जो जानवर है उसको आपने खुद से अपने घर में लाए हो ना, तो आप अपनी फैमिली बना के ही तो लाए हो। आपके लिए हो सकता है कि वो एक सिर्फ एक छोटा सा जानवर है जिसको कि आप अपने घर लेकर के आए हो किसी भी रीज़न से, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, सिर्फ दिल बहलाने के लिए, एक कमोडिटी के तौर पर, शो ऑफ के लिए, बट उसके लिए आप पूरी दुनिया हो उसकी। वो आपको अपना माँ बाप समझता है, आपको अपनी फैमिली समझता है, और आपको एक सेकंड नहीं लग रहा है उसको अबैंडन कर देने में बिना कोई भी रिसर्च वर्क किए। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। इवन मुझे, मैंने एक न्यूज़, एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि मुंबई में ऐसा हो रहा था कि BMC ने, या शायद वहाँ जो भी लोग इन सारी चीज़ों को देखते होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे मतलब पता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि डॉग्स से और एनिमल से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। कई लोगों ने उन्हें निकालना, अपने घर से अबैंडन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने घर से कैट्स और पेट्स, डॉग्स वगैरह को सबको निकाल दिया, अबैंडन कर दिया। उसके बाद जब एक ट्वीट किया उन्होंने, जॉन अब्राहम जी ने एक ट्वीट करा और उन्होंने ये चीज़ विद प्रूफ पूरा फोटोग्राफ एक आर्टिकल का दिया उनको, और उनको बोला WHO तक ने ट्वीट में मेंशन करके उनको टैग करके किया, तब जा करके उन्होंने अपोलॉजीज मांगी कि नहीं, ये हमारी मिस्टेक थी, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी और हम भी चाहते हैं कि आप ही आगे बात स्प्रेड करें। इसी तरीके से बहुत सारे, मेनका गांधी जी ने एक लेटर अपना जारी किया है, इशू किया है, अपने ट्विटर हैंडल पे भी उसको पोस्ट किया है कि कोरोना वायरस इनसे नहीं होता है। अगर आप में, मैं, मेरा बस यही कहना है कि आप अगर अपने बच्चों को दिल से प्यार करते हो, उन्हें अपनी फैमिली मानते हो, तो आप ऐसा नहीं ही करोगे। लेकिन अगर आप शो ऑफ के तौर पर लाए हो, तो भी आप सिर्फ एक इस चीज़ से सोचो कि आप उसको, जब आप पहले पूरी रिसर्च तो कर लो, उनसे नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उनसे नहीं होता है। मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अबैंडन कर रहे हैं अपने पेट्स को, प्लीज़, मैं आगे आपको प्रूफ्स भी दूंगी, इस वीडियो को अगर हो सके तो ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग अगर आपको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं तो। और दूसरी बात कि प्लीज़ गाइज, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल जितना हो सके आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको फीड करिए, उनको खाना दीजिए, उनको पानी दीजिए। मैं सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा अटैचमेंट डॉग्स के साथ ज़्यादा है, इसलिए मेरे मुँह से आपको निकल जाएगा कई बारी, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पे सारे एनिमल्स से हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। इस लॉकडाउन के कारण उन्हें कितनी प्रॉब्लम, हम इंसानों को तो, हम इंसान तो अपनी चीज़ें आपस में शेयर कर लेते हैं बोल करके कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो बेजुबान है, वो तो आपको बता भी नहीं पाएंगे कि वो कितने दिनों से भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं प्यास से, वो नहीं कह सकते आपसे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आप जितना हो सके स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को, गाय को, जितना भी हो सके पक्षियों को, अपनी तरफ से जितना, अगर आप छत पे रहते हैं, टेरेस पे रहते हैं, तो पक्षियों के लिए थोड़ा सा दलिया और एक मिट्टी के बर्तन में या किसी भी चीज़ में, बर्तन में आप पानी डाल दीजिए जहाँ की वो आकर के खा के जा सके, इतना तो कर सकते हैं आप। आप अपने बिल्डिंग के नीचे अगर आपके स्ट्रे डॉग्स आते हैं तो आप वहाँ पे कुछ भी खाने पीने के बिस्किट्स और एक बर्तन में, बाउल में पानी डाल करके वहाँ पे छोड़ दीजिए, वो कर सकते हैं आप। अगर किसी गली मोहल्ले में रहते हैं तो गली मोहल्लों में भी बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गाय होती हैं, उनके लिए रोटी जो भी बनती है आपके घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के उनके लिए डाल दीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि उनके लिए ये टाइम उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब मुझे पता है यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, एक तो मेरी तरह जो एनिमल लवर होंगे, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कई बारी कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ तो मैं कितना हेल्पलेस फील करती हूँ। लोग यहाँ पे, अभी हमारे ही घर के बाहर की बात है, मतलब स्टूपिडिटी की हाइट्स मुझे उस दिन समझ में, अपनी आंखों से, अभी तक तो सिर्फ वीडियोस और इन सब चीज़ों में देखा था, अपनी आंखों से देखने के लिए मुझे मिला। मेरे घर के बाहर एक पेट, छोटा सा पिल्ला था, उसको शायद डॉग्स ने हर्ट कर दिया था जिसकी वजह से उसको बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, बहुत बुरी तरह से उसको घायल हो चुका था। मतलब जिनके घर के बाहर वो
डॉग पड़ा हुआ था, मैंने मुझे बहुत लेट पता चला, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला मैंने इमीडिएटली एनजीओ को कॉल करा, मैंने उनको बुलाया, लेकिन क्योंकि उस दिन भी लॉकडाउन था तो उसकी वजह से उनको आने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि एनजीओज वगैरह भी अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उनको आने में इतना लेट हो गया कि जब तक मैं वो यहाँ से उसको ले करके गए, हमने जितना हो सका अपनी तरफ से किया, हमारे बगल में एक भैया रहते हैं उन्होंने अपनी तरफ से उसको जितना हो सका डिटॉल और जो भी फर्स्ट एड दे सकते थे, पानी पिलाना, इलेक्ट्रोल वाटर देना, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे ही एनजीओ ने उसको उनको जो उन लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसको आने में उन लोगों को बहुत टाइम लग गया था। मैं आने से पहले की बात बता रही हूँ आपको, लोग उसे डंडे से इस तरीके से, जिनके भी घर के बाहर था, उस घर के बाहर की लेडी ने उसको डंडे से इस तरीके से धक्का दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनके घर के बाहर ना मरे, वरना उनको कोरोना वायरस हो जाएगा अगर वो उनके घर के बाहर मर गया तो। सो पीपल हैव सच काइंड ऑफ थिंकिंग मेंटालिटी, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किए उन्होंने, बस कहीं सुनी बातों पे चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आधी जनता जो है इंडिया की वो कहीं सुनी बातों पे ही चलती है। तो मेरा बस आपसे इसीलिए कहना है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप अपने तरफ से एक्ट भी मत करें, एकदम इमीडिएट एक्शन भी मत लें। बस आप इतना करिए कि जितना भी आपसे हो सके स्ट्रे एनिमल्स को अपनी तरफ से खाना दीजिए, पानी दीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे पता है कि ये भी आएंगे कि इतनी बड़ी क्राइसिस हो रखी है, लोग मर रहे हैं, लोगों को भूखे मर रहे हैं, उनको पानी पीने के लिए नहीं है, और आप जानवरों की बात कर रही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो हम इंसान हैं, चाहे जो लोग तकलीफ़ में हैं, जिनको भी चीज़ें अवेलेबल अभी के टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं हो रही, फिर भी वो रो सकते हैं ना, वो आपको बता सकते हैं ना, मीडिया के थ्रू अपनी बातें जो हैं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं ना। उनके लिए कितने एनजीओज वर्क कर रहे हैं, हम आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं, 24/7 देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए, जिन लोगों तक भी फैसिलिटेट नहीं हो पाए हैं उन तक गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज़ पहुँचा रही हैं। तो उन लोगों की ज़ुबान है, हम आपकी ज़ुबान है, हम आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँच भी जाती है, उनके लिए एनजीओज भी जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक एक भी न्यूज़ ऐसी देखी है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी इनिशिएट करके एनिमल एनजीओज जो एनिमल के लिए वर्क करते हैं उन एनजीओज को बोला हो कि आप जाइए, आप भी उनको फीड करिए, और आम जनता से भी कोई सपोर्ट मांगी हो? पीएम मोदी ने ये चीज़, मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगी भी, पीएम मोदी ने भी ये चीज़ मेंशन करी थी अपने लाइव में, मैं वो भी फुटेज आपसे शेयर करूंगी कि प्लीज़ हो सके तो जानवरों को अपनी तरफ से जितना हो सके उनके लिए ध्यान रखिए, केयर करिए। क्योंकि उनको अभी इस लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन कोई एक जो स्टेटमेंट होता है लॉ की तरफ से, वैसा कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जानवरों के लिए नहीं आया है। तो मतलब वो तो भगवान भरोसे है ना, हम आपके भरोसे हैं, हमारे और जो गरीब लोग हैं जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि फैसिलिटी नहीं आ रही है, उन्होंने अपनी बातें मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचाई हैं और उनके लिए बहुत सारे एनजीओज भी आ गए हैं और गवर्नमेंट भी अपना सारा इनिशिएट ले रही है, बट इनके लिए हम आपके अलावा और कोई नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइस, अपने मोहल्ले के बाहर, अपने गली के बाहर, अपने सड़क के बाहर, जहां भी पॉसिबल आपसे हो सके, जितना भी आप जो भी कर सको आप प्लीज इनके लिए करो, क्योंकि इनका हमारे और आपके अलावा कोई नहीं है। और इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि इनसे कोरोना फैलता है, ये कोरोना ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड वायरस है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन जाएगा, ना कि एनिमल टू पर्सन जाएगा। इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा बच्चा भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और मैं
और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन पीरियड है इस टाइम में आपके पेट्स अगर आपके पास हैं तो इससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर आपके लिए कुछ नहीं है। आप इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके इनके साथ खेलिए, इनका केयर करिए, जो टाइम आप अपने भागती दौड़ती लाइफ में कभी नहीं दे पाते हैं वो इनके साथ स्पेंड कीजिए। ये आपका स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होगा और हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो एक चल रहा है ना कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, ये उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जिनके भी पास पेट्स हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, वो लकी हैं कि वो दे हैव पेट्स, वो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसमें एक हैप्पी एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, एंड में मैं बस यही कहूँगी, मैं अभी आपको वीडियो एंड नहीं हुआ है, मैं आपको वीडियो में आगे और भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, वो फुटेजेस आप ज़रूर देखिएगा और उससे मैं जितनी भी इन सब के प्रूफ की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी शेयर कर दूंगी आपसे, आप चाहें तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जा करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि जो मैंने कहा है वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच है। तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इन लोगों का ध्यान रखिए जितना भी हो सके। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू।